जय श्री राम फ्रेंड, होंडा ई एक्सेंट पेट्रोल कार, इसका इंजन टाइमिंग किस तरीके से, किस किस जगह पे इंटेक और एग्जॉस्ट का मार्किंग आता है, और इसका कैप भी देखेंगे किस तरीके से फिट होता है आज। तो इसका जो इंटेक कैम है, तो येलो कलर का जो मार्क है, चैन पे वाइट कलर का मार्क है, देख सकते हैं आप। तो इसको इसके सामने रखना है, और जो ये छोटा कट दिया हुआ है उसको हमें ये कैप के सेंटर में रखना है। फिर एग्जॉस्ट कैम का भी ऐसे ही रखना है, जो येलो कलर का मार्क है वो चैन पे रखना है सामने, और जो ये छोटा कट दिया है उसको इसके एरो के सामने रखना है, कैप के एरो के, कैप का जो दिया हुआ है हमारा ये कट उसके सामने रखना है। चैन का जब मार्किंग मिट जाता है तो यहाँ से यहाँ तक का 11 तीत रहना चाहिए, और यहाँ से नीचे तक का 39 रहना चाहिए। नीचे का देख सकते फ्रेंड जो कट है यहाँ पे, इसका चाबी का कट दिया है, देख सकते फ्रेंड आगे है अपना पीछे साइड में, और ये जो डॉट है मार्किंग है ये दिख रहे हैं एकदम सेम, यहाँ पे रखना है हमें। ये क्रैंक का टाइमिंग है, तो ये होंडा एक्सेंट की टाइमिंग है ये, तो इस तरीके से टाइमिंग मिला लेना है। जो भूल जाते हैं इसमें जूने मार्किंग रहता नहीं है चैन पे, तो इसको यहाँ से यहाँ तक 11 गिन लेना है, और यहाँ से यहाँ तक 39 गिन लेना है हमें, तो इसकी टाइमिंग परफेक्ट मैच कर सकते हैं आप मार्किंग करके। और ये इंटेक कैम्प है, एडजस्ट कैम्प है, तो इंटेक कैम्प का जो मार्किंग होता है उसको फ्रंट में रखना है, और एडजस्ट कैम्प का वो बैक साइड में रखना है, दोनों भी बाहर साइड में रहेगा, अंदर साइड में नहीं आएगा। इसकी बाकी फिटिंग करके हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे और गाड़ी की फायरिंग चेक करेंगे।